The Invisible Man, Chapter 24, Hindi Summary. डॉक्टर कैंप ने देखा कुछ लोग उनके घर की तरफ आ रहे थे। तब उन्होंने ग्रिफिन को व्यस्त रखने के लिए उससे उसके आगे के प्लान्स के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तब ग्रिफिन बताता है कि वह अब किसी ऐसी जगह पर जाना चाहता था जहां पर थोड़ी गर्मी पड़ती हो, और वह कहता है यह कोई मुश्किल काम भी नहीं था, पर मिस्टर मालो की गुस्ताखी की वजह से आज उसे बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। मिस्टर मारोल के पास ही उसकी तीनों किताबें हैं और उसको लिए बिना तो वह कहीं भी जाने वाला नहीं था। डॉक्टर कैम से मिलने के बाद उसने नई योजना बनानी शुरू कर दी और अब वह उन पर थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगा था। तो उसने डॉक्टर कैम को अपने नए प्लान के बारे में बताना शुरू कर दिया, जो कि सुनने में काफ़ी खतरनाक और बुरा था। वह पूरे शहर में एक आतंक का राज या ए रीजन ऑफ टेरर कायम करना चाहता था। वह उस साजिश में डॉक्टर कैम को साथ लेकर किसी की हत्या करना चाह रहा था, ताकि लोगों के मन में अदृश्य आदमी के प्रति एक डर बैठ जाए। इतना सुनते ही डॉक्टर कैम अंदर से हिल गए और उन्होंने काफ़ी आश्चर्य भी दिखाया और तुरंत इस बात का विरोध किया और ग्रिफिन को समझाया कि यह सब अच्छा नहीं है, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। पर ग्रिफिन उस वक्त अपनी ही धुन में था और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तहस नहस कर देना चाहता था। इसी बीच उन दोनों को कुछ आवाज़ें सुनाई दी जो कि नीचे के कमरे से आ रही थी। तो डॉक्टर कैम तुरंत समझ गए कि पुलिस आ चुकी है और वह ग्रिफिन का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगे। पर ग्रिफिन उठा और दरवाज़ा खोलकर देखने लगा, पर डॉक्टर कैंप ने उसे रोक लिया और इसी बात से ग्रिफिन को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह समझ गया कि डॉक्टर कैंप ने उसे धोखा दे दिया है और उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और डॉक्टर कैंप के सिर पर एक ज़ोरदार हमला किया और वहाँ से भाग निकला। Please like, subscribe and share.